युवा सोच रहा है कि पकौड़े और शिकंजी के बीच मेरा भविष्य मजाक बन गया है, नौकरी कहाँ है? नौकरी आप छोटे शहरों में जाइए, युवाओं से बात कीजिए, उनके लिए नौकरी से बड़ी चिंता नहीं है। उनको लगता है मेरा कोर्स खत्म हो, मेरे को नौकरी लगेगी या नहीं। आपको और आप तो कॉमर्स मिनिस्टर है, नौकरी की आपको बात बताता हूँ। एक आपको देखना होगा कि सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद नौकरी के लिए लोग जाते थे सिर्फ सरकार के पास, कोई नौकरी की चिंता सुविधा ही नहीं थी। कुछ समय ऐसे आया, उसके बाद में 20-30 साल के बाद लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाने लगे नौकरी के लिए। आज ये तो पहले गवर्नमेंट के साथ था, बाद में प्राइवेट सेक्टर में हुआ। आज ये स्थिति है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से हट के भी लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड बनूँ। तो इसके लिए मैंने जो स्टार्टअप का आपको एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एक जमीन की बात बताता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका क्या रोल है? नहीं, मैं आपको सरकार का क्या रोल है? जमीन की बात बताता हूँ। 40,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज इंडिया में चल रहे हैं, और ऐसे कुछ स्टार्टअप्स है जो स्टार्टअप ने अपने जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डोंट बी जस्ट एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉयर बनिए, लोगों को जॉब दीजिए। तो मैं आज आपको कह सकता हूँ कि जो जिस तरफ से ये काम बढ़ रहा है, आप यकीन भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आपका एक मीडिया, पहले मीडिया में जॉब चाहिए तो दूरदर्शन में मिलता था। आज कितने चैनल हो गए कि जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, तो आप दूरदर्शन की जॉब से कंपेयर करके तो नहीं होगा। पहले था पोस्ट ऑफिस, मैं आपको कहता हूँ कि कैसे चेंज होता है ये चेंज। तो आज उसके बाद में पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब मिलता था, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में। आज पूरे कुरियर कंपनी में लोगों को कितना जॉब मिल रहा है, पहले पुलिस में सिर्फ जॉब मिलता था। आज आप जाएंगे तो सिक्योरिटी कंपनी में लोगों को कितना जॉब मिल रहा है। पहले ये जो चेंज हुआ है, आर्थिक क्षेत्र का चेंज जो है सर, लेकिन जितना बुरा हुआ है सब नेहरू जी की वजह से हुआ है, और जितना अच्छा हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, ये कैसे चलेगा? प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ आप कैसे अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा? हमारा कहना ये है कि साथ ही में हमको ये भी देखना होगा कि उस समय जो हुआ तो हुआ, आज के दिन में जिस तरह से देश में और पूरे विश्व में जो बदलाव आ रहा है, उस हिसाब से तो आपको प्लानिंग करना होगा। पूरे विश्व में ये जॉब की स्थिति है। आज कहीं पे आप जाएंगे तो लोग ये नहीं कह सकते कि पहले, देखिए मैं अमेरिका की एक बात बताता हूँ। अमेरिका में एक नया कॉन्सेप्ट 20-25 साल पहले लोग कहते थे कि मैक जॉब्स। मैक जॉब का मतलब मैकडोनल्ड का जॉब, जहाँ आवरली पेमेंट होता है। तो लोग कहते थे हमको ये नहीं चाहिए, हमको ब्लू कॉलर जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, क्योंकि वो स्टील जो अमेरिका में बनता था वो बनना बंद हो गया, चाइना से इम्पोर्ट हो गया, तो ब्लू कॉलर जॉब चले गए। व्हाइट कॉलर जॉब भी कम हो गए क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो आउटसोर्सिंग हुआ, इसके लिए ट्रंप साहब ने भी अपने चुनाव में इसको लिया था। लेकिन वो जो मैक जॉब का जो नया कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों उसका इकोनॉमी का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रहा था। आज हमारे देश में परिवर्तन जो विश्व में हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आपको मैं वादे से कह सकता हूँ, आप देखेंगे 10-15 साल में देश में इतने बड़े एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक बड़ा सिलसिला चल रहा है, इतने बड़े अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हम 77 के स्थान पर आ गए। उसका लाभ क्या होगा? पूरे देश में काम करने वाले लोगों को होगा। और अभी उसके आगे वर्ल्ड बैंक का लैंकिंग है। हम जो काम शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को प्लान करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट की आज की बेसलाइन क्या है, उसका जो जीडीपी, एग्रीकल्चर में लोगों को कितना जॉब मिला है, इसको सर्विसेज में कितना मिले, इंडस्ट्री में कितना मिले। हमारे जो प्लानिंग है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को प्लान करके वहीं पे उनको जॉब कैसे मिले। जॉब का मतलब, अगेन मैं आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जॉब ऐसा जॉब नहीं कि जो सरकार का और निजी क्षेत्र का था, लेकिन दे विल बी गेनफुली एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। इसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। 6 जिलों में 5 राज्य के हम लोगों ने काम शुरू किया है। और एक दफ़े उसमें साउथ का आंध्र प्रदेश का भी है, नॉर्थ का यूपी भी है, हिमाचल भी है, हिली एरिया महाराष्ट्र भी है, और जो बिहार भी है, हमने इस 5 राज्यों में काम शुरू किया है। तो ये काम होगा तो हम आप देखेंगे कि जो जॉब हम कहते हैं, उसके लिए जॉब का मतलब क्या है, लोगों को जॉब क्यों चाहिए? बिकॉज दे वॉन्ट इनकम, दे वॉन्ट बी गेनफुली एम्प्लॉयड। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट करने के लिए 3 ही सेक्टर्स है जिसमें कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, तो सर्विसेज में, या तो इंडस्ट्री में, या तो एग्रीकल्चर में। तो हम लोग पूरे पांचों राज्यों में 6 जिलों का हम लोग उसका मैपिंग कर रहे हैं। बेसलाइन रेडी हो गया, काम करने की शुरुआत होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो जॉब का परसेप्शन पहले था उससे आगे जाते हुए हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने 91 के बाद क्या सोचा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ। वो कभी ट्रिकल हुआ ही नहीं, कहाँ पानी फंस गया मालूम नहीं, क्योंकि ट्रिकल होता है तो पानी एंड तक पहुंचेगा।
तो हमने अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, अब डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो हम बात करें तो उसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सभी को ध्यान में रखते हुए आप, मैं वादे से कह सकता हूँ कि जरूर देश में के लोगों को, नौजवानों की अपेक्षा पूरा करने के लिए, यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टअप प्रोग्राम है, वो यदि अपने क्षेत्र में अपने जिले में रह के काम करना चाहता है तो उसके लिए हमने काम शुरू किया।